हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आए आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का पुष्पा लाइब्रेरी में स्वागत है। दोस्तों, ये मॉर्निंग की क्लिक है। बच्चों लोग के जाने के बाद मैं ये आंवला ना नेक्स्ट डे को ही लाए थे, यानी कल ही लाए थे, तो रखा हुआ था। और इनकी ये मनपसंद आंवले के अचार बनाने की फरमाइश आ गई है, तो मुझे बनाना है। और ठंड में ही ये अचार बनती ही है, क्योंकि ठंड में ही आंवला आता है दोस्तों मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए पानी दे दिया था, और इस उबलते हुए गर्म पानी में मैंने डाल दिया। जब मेरी आंवला फट गई ना, तो इसको मैंने ना ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और ना यहाँ पे लग गई हूँ आंवले को इनके जो बीज है ना वो निकालने के लिए। तो जो भी कुछ भी लाओ, कुछ भी है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है दोस्तों। और ना यहाँ पे मैं आंवले के जो बीज है ना वो निकाल रही हूँ। तो बच्चों लोग के जाने के बाद ये मैं लग गई हूँ इसी काम में। उसके बाद घर की क्लीनिंग होगी। तो आज धूप ना थोड़ी हल्की हल्की है, यदि बाद में निकलेगी तो अच्छी है। तो जो भी है ना उसको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि धूप सुबह के टाइम ही अच्छी सी कड़क मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे ये आंवले के बीज को अच्छे से निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे ना देख सकते हो, जब ये ना फट जाती है ना तो अपने ही डिवाइड हो जाती है टुकड़ों में, तो इसकी कोई मेहनत नहीं लगती है। बस इसको उबलते समय यही ध्यान रखना है कि ये फट रही है कि नहीं। तो ये जैसे ही फटी ना, मैं इसको निकाल दी थी और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और फटाफट से इसका बीजा को निकाल ले रही हूँ। तो इसको मैं ना धूप में दे दूँगी। तो बस यहाँ पे देख सकते हो सारे बीजा मैंने निकाल दिया थे, और इसमें सिर्फ हल्दी डालूंगी और ना इसके हल्के से मॉइस्चराइज़र जो निकल आएंगे, तो इसको धूप में रख दूंगी। तो ना अच्छा होता है ये अचार, ज़्यादा दिन तक चलती है, ख़राब नहीं होती है। और मैं आ गई हूँ धूप में, यानी छत में आ गई हूँ। तो धूप अच्छी खासी तो नहीं थी, लेकिन ना ऐसे ही मोबाइल में लग रही थी कि काफ़ी अच्छी धूप है, लेकिन धूप नहीं निकली थी, हल्की फुल्की थी। लेकिन जब ना टाइम हो जाएगा ना 10 बजे, तब तक अच्छे से खासी धूप ही निकल आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे फैला देती हूँ, बाकी सब काम होते ही रहेंगे। तो बस यहाँ पे ना मैं फैला दे रही हूँ। और ना इनके पापा को ये आंवला वाला अचार अच्छा लगता है, तो मैं बनाती हूँ, हर साल ही बनाती हूँ, तो मैंने बना दिया था। और यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ छत। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद ना, पता नहीं, पूजा वूजा करने के बाद ना मैं छत में ही यहाँ पर नाश्ता की थी, और बाद में यहाँ आ गई थी छत में सब्जी कट करने के लिए, क्योंकि मुझे ना अच्छी खासी ठंड लग रही थी। पता नहीं सुबह तक ठीक थी, लेकिन अचानक से ना अभी से मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे काफ़ी ठंड लग रहा था, और शरीर में भी दर्द होने लग रहा था। तो मैंने नीचे आते ही ना फटाफट से मैंने ये सब्जी बना लिया था, और मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं किया है। मैंने ना जो डंटल होते हैं ना, गोभी वाले डंटल, उसकी ही सब्जी बनाई है, मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है। और ना ये सुबह की कॉफ़ी आलू की सब्जी थी, और ना बेसन की बड़ी बनाई थी। आज यही रहेगा, क्योंकि ना मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं की थी, और ऊपर से आते ही ना मैं आज ना आराम कर करके ही एक बार बैठ रही थी और खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तबीयत ख़राब है। और ना सुबह तक ना अच्छी खासी सी थी, शाम होते ही होते ना एकदम मेरे ना तबीयत पर काफ़ी ख़राब हो चुका था, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे तैसे मैंने ना संध्या बत्ती की है, चाय पानी बच्चों लोग को दे दिया था, और ना मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, और इनके पापा को ना किचन का काम होता नहीं है, क्योंकि ना उनसे नहीं होता है। तो बस जैसे तैसे मैं सोच रही थी कि किचन का काम कब मैं करूं और यहाँ से भागूंगी। तो मैं ना यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूंद लिया था, और ना यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और ना मेरी भुंजिया मैंने बनाया था आलू भुंजिया, और इनके पापा ना कुछ कर रहे थे, तो वो ना उनसे अकेला नहीं होता है, खाना वाना नहीं बनता है। और ना मैं इन सबको ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं एक जगह में ऐसे शांत जगह में बैठूँ, मुझे कोई तंग ना करे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा ही लगता है जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तब तो अचानक से इतनी सर्दी, मतलब गला खराश हो रहा था ना, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने जैसे तैसे ना डिनर के रेडी भी कर दिया था, ताकि बच्चे या इनके पापा को ऐसे ना सुन जाना, मतलब बिना ऐसे रहना ना पड़े, क्योंकि ना यहाँ पे मैं दिन की सब्जी भी नहीं रखी थी, बस मैंने आलू भुंजिया किया, और यहाँ नॉर्मल सी रोटी, सिंपल सी रोटी बना दिया था। और मैं यहाँ किचन से भागने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे किचन से मैं ना एक जरा से भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। और ना मैंने ना आंवले को जो सूखने दिया था ना, उसको भी मुझे मसाला रेडी करनी है,
तो बस फटाफट से उसको भी कर दूंगी, क्योंकि करना तो है मुझे ही, क्यों कि सुबह भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने ना जो भी होते हैं ना मुझे अकेला ही संभालना पड़ता है। बच्चे ऐसे नहीं हैं बड़े कि वो करें, और मैं उन पर भी छोड़ नहीं सकती हूँ। और इनके पापा तो ना के बराबर ही है, किचन में मैं रहूँगी तो साथ में हेल्प कर देंगे, लेकिन अकेला बोलो ना तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे ना जो भी मसाले मेरे घर में अवेलेबल थे ना उसी को मैं डाल देती थी, तो बाकी सारा कुछ था, सिर्फ ना सौंफ नहीं था, वो मैं बाद में दे दूँगी। तो इसको ना अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, रोस्ट कर लूँगी, और इसको ना मिक्सी में ही आज दरदरा पीस लूँगी और आंवले के अचार में डाल दूँगी, ताकि ना ये भी काम मेरी निपट जाए। तो जब भी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं शांत जगह में बैठे रहूँ, मुझे कोई तंग ना करे, ऐसा महसूस होता है। तो ना मुझे ना मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे काम मुझ पर ही अटके हुए रहते हैं। तो ना इनके पापा चले गए थे मेडिसिन लेने के लिए, और यहाँ पे ना मेरे जो मसाले हैं ना उसको मैंने हल्का सा ददरा पीस लिया था, आज कोई भी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आप सभी से। और ना यहाँ पे जो भी है ना इसके मॉइस्चराइजर अच्छे से निकल आए थे, क्योंकि धूप अच्छी खासी थी और मैं दिन भर ना धूप में भी बैठी ही थी। तो यहाँ पे ना मैं नमक डाल रही हूँ, तेल काफ़ी कम मात्रा में डाला है, तेल ना अभी कम थे तो इसलिए मैंने नहीं डाला है, बाद में तेल को डाल सकती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला इसमें, बस नमक थोड़ा सा ना चटक सा डाला है, और इसमें जो भी मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी, यानी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। तो ये आंवले के अचार ऑलरेडी बन गई है, और ये ना आंवला ना ठंडे के मौसम में काफ़ी हेल्दी सा होता है, चाहे इसके जो भी बना लो हेल्दी ही होती है। तो बस इसको भी मैं, इनकी फरमाइश भी मेरी पूरी हो गई है, जो भी है कल भी मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैंने कल के लिए नहीं छोड़ा है। मैंने सोचा कि ये कर लूँगी और आराम से मैं थोड़ी सी लेटूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से किचन से कब निकलूँ। तो ये रेडी हो चुकी है, बस इसको धूप दिखाना है कुछ दिनों तक। और ना यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, और इनके पापा मेडिसिन लेके आ गए थे, क्योंकि सुबह होते हैं ना बच्चों लोगों के लिए ब्रेकफास्ट उठना पड़ेगा, सारे काम पड़े हुए रह जाएंगे, तो मुझ पर ही होती है सारे काम। तो बस मैंने मेडिसिन ले लिया है, और मुझे लग रही थी कि मुझे मेडिसिन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ना मेडिसिन ना लूँगी ना तो मुझे और भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी लग रहा था, सिर में काफ़ी दर्द हो रहे थे। तो बस मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, और सारा काम मैंने कर दिया है, बस इन लोगों को मैंने कहा कि तुम लोग लेके खाना खा लो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, और ना यहाँ पर देख सकते हो बेटी मेरी मेरे केयर कर रही है, तो वो ये है ना जितना होती है ना वो करती है। तो बस बच्चों लोग के लिए ना मुझे उठना ही पड़ता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।